प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा के रशीद कंपाउंड इलाके में लगभग 150 कचरा सफाई कर्मचारियों ने साफ सफाई की, साथ ही साथ रशीद कंपाउंड के कई मस्जिद व बिल्डिंगों में सैनिटाइजर भी किया गया। इसी कचरा सफाई अभियान में आने वाले हर संडे को मुंब्रा में किसी न किसी इलाके की सफाई की जाएगी। इस दौरान कलवा मुंब्रा के आमदार व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने भी जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने हर संडे को इसी तरह से सफाई अभियान चलाई जाएगी ऐसी जानकारी भी दी। हालांकि मुंब्रा कौसा में दो और मुद्दे चरम पर हैं, पहला बिजली बिल और दूसरा स्कूल फीस, जिसकी मनमानी स्कूलों द्वारा की जा रही है, पेरेंट्स से फीस मांगे जा रहे हैं। इस पर भी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। इसकी हौसला अफजाई करने ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक बड़ा ही नेक काम, जब महामारी फैल रही है तो उसको रोकने के लिए जो जो करना चाहिए वो यहाँ भाई कर रहे हैं और वो तारीफ़ काबिल है, और इसीलिए मैं आज रशीद कंपाउंड में ये सब देखने के लिए आया। मास्क नहीं पहनेंगे तो जो नंबर मुंब्रा में कम हुआ है वो नंबर बढ़ने का डर मुझे लगने लगा। और मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि ये महामारी को आसान महामारी मत समझो। आज दुनिया भर में ये महामारी ने लोगों को डरा के रख दिया। हमारे यहाँ रमजान ईद का जब माहौल था तब हमारी संख्या बढ़ गई, उसके बाद अब गणपति हुआ, लोग सब घुल के इकट्ठा होने लगे। कल्याण में एक घर ऐसा है कि जहाँ पे आरती के लिए लोग इकट्ठा हुए थे उस घर में 32 पेशेंट निकले। तो रमजान हो या गणपति, लोगों का इकट्ठा आना बिना सोचे समझे एक रूम में 30-30, 40-40 जन का बैठना, ये कोई खतरे से खाली नहीं। अब साहब, कल वो मुंब्रा में जिस तरह से टोरेंट पावर का जो है बिल लंबी आ रही है, उसको लेकर आपके पार्टी के लोगों ने जो आंदोलन भी किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मतलब अस्थायी रूप से मतलब सही नहीं होते हुए आया, लेकिन उसके बाद ठोस कदम आप क्या उठाएंगे, क्योंकि सरकार में तो आप भी है। ऐसा है कि मैंने सरकार में भी बात की है और मैंने टोरेंट वालों को भी बताया है कि तो आप कैंप लगाइए, जिनका भी बिल ज्यादा आता है वो ज़्यादा बिल कैसे आए क्या आए उसकी जांच होनी चाहिए। ऊपर से मैंने ये भी बताया कि तुम्हारा जो बिल रीडिंग है उसका फोटो निकालो, समझो मई में 1 से 100 तक मीटर यूज हुआ तो उसका फोटो निकला तो अपना समझा कि 100 का आखिरी नंबर है। दूसरे महीने में फोटो निकला तो 100 से 202 तक पहुँचे तो 202 का आखिरी नंबर निकला, फिर फोटो निकाला 202 से 310 पहुँचे, अपने को भी पता चलेगा कि फोटो के माध्यम से हमारा मीटर रीडिंग बराबर है या गलत है। और सर एक बात और है, यहाँ पर जो है कल और मुंब्रा में जिस तरह से फिलहाल मुंब्रा की बात करता हूँ, यहाँ पर स्कूल काफी तादाद में है और वो स्कूल वाले जो है काफी धांधली भी कर रहे हैं पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर फीस भरो। अब ये लॉकडाउन के बीच लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, उसके लिए आप जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसमें कुछ स्कूल मालिकों से रूता मैडम ने बात की है, पेरेंट्स से भी रूता मैडम बात कर रही है और वो डिपार्टमेंट वही संभाल रही है, तो मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दूँ। वही समाज सेवक रेहान पीतलवाला से भी हमारे संवाददाता फिरोज हाशमी ने बातचीत की है, सुनिए। 150 कर्मचारियों को लगाकर जो है साफ सफाई किया है, हम उनसे जानते हैं। रेहान भाई, आज जो है आपने जो है सफाई अभियान एक शुरू किया है रशीद कंपाउंड के अंदर, लेकिन कहां कहां पर यह सफाई अभियान किया गया और क्या क्या जो है जैसा कि बताया जा रहा सैनिटाइजर वगैरह कहां कहां किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले प्रहार टाइम्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू आपने कवर किया। आज ये जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर तकरीबन सफाई कर्मचारी जो है 150 से ज़ायद थे, उनके साथ में हमारे साथ में ही अग्निशमन दल के यानी फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ थी, वो पूरा मोहल्ला जैसे हमारी मस्जिदें हैं, हमारी जो सोसाइटीज़ है सबको सैनिटाइज करना था, इनके साथ में हमारी दोनों प्रभाग समिति के दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति के जो ऑफिसर्स थे, हमारे शिरके साहब, हमारे यासिन तलवी साहब, उनके लोग भी थे, जैसे कि फॉगिंग, जेटिंग, स्प्रेइंग, ये सारा। तो हमने तकरीबन आज एक 200-250 लोगों के साथ में, ज़्यादा लोगों के साथ में ये पूरा सफाई का अभियान छेड़ा
और उसे आज 2 बजे तक के मुकम्मल किया। 7 से 2 का ये टाइमिंग था और इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से बताता चलूं कि हर महीने में 1 से 2 बार आज के बाद इस तरीके का अभियान रहेगा। रेहान भाई, कैसे ख्याल आया कि साफ सफाई करना चाहिए जबकि कोरोना का काल चल रहा है और खास करके जो मुमरा कोसा में लोग सफाई पर ध्यान नहीं देते और वही नगर सेवक का भी काम है नाला गटर साफ सफाई, तो बहुत लगभग यहाँ पर एनसीपी के कई नगर सेवक हैं और भी तमाम नगर सेवक हैं, लेकिन उन लोगों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? आपको कैसे ख्याल आया? देखिए, हमारे एनसीपी के सारे नगर सेवक बहुत एक्टिव है। अभी जैसा कि हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र अवाल साहब ने ये ऐलान किया तो उसके बाद में शानू पठान साहब के वार्ड में ये कैंप होने जा रहा है और जो नगर सेवक इसका रिक्वायरमेंट डालेगा उनके वार्ड में ये कैंप होगा। बस सिर्फ मैं आपके माध्यम से ये आप लोगों से अपील करूं कि ये सफाई का जो मामला है ये हमने ही करना है। हमारा शहर, हमारी फिक्र, हमारे लोग, हमारा मोहल्ला कोई बाहर से आके करेगा नहीं। जब तक के अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक के लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हमारा कचरा हमने उठाना है और हमने डिस्पोज करना है और हमने पब्लिक प्लेसिस पे उसको नहीं डालना है, तब तक हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमको इसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो गार्बेज कलेक्शन हो रहा है शहर का वो 24/7 नहीं हो सकता। सफाई कर्मचारी भी आएंगे तो वो मॉर्निंग में आ सकते, इवनिंग में आ सकते, लेकिन अगर 24 घंटा अगर आप कचरा फेंकेंगे तो वो कचरे को डिस्पोजल का जो स्कीम है वो करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये कंपनी से बात करके मैंने हर मार्केट प्लेसेस में दिन में 3 बार हमारे सफाई कर्मचारी कचरा उठाने आएंगे। मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, जितने हमारे दुकान वाले, जितने हमारे ठेले वाले, गाड़ी वाले, कि एक छोटी सी थैली रखे, अपना कचरा उसी में डाले, आपके डोर स्टेप पे गाड़ी आएगी और आप कचरा बस उनको दे दें और कलेक्ट करके आपसे चले जाएंगे। रेहान भाई, जिस तरह से आज साफ सफाई अभियान किया गया है जो है पेट्रोल पंप से लेकर श्रीलंका बहुत सारे एरिया में किया गया, तो मतलब ये शहर की पूरी कचरे को जो है आपने साफ कर दिया फिलहाल आज के दिन, लेकिन ये मुमरा का हाल है कि अभी आप कचरा साफ किए फिर बाद में कचरे वहाँ पर वापिस डाल दिए जाते हैं, तो बाद में क्या है आपके लिए, मतलब ये चीजें जो है बाद में फिर सफाई होगी, बस एक बार हो गया खत्म? देखिए, मैं आपके मीडियम से लोगों में जागरूकता, एक अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि हमारा कचरा, जो लोग कचरा विभाग के हमारे लिए काम करते हैं दिनों रात, वो भी इंसान है, उनको भी थोड़ा सा हमने स्पेस देना चाहिए। ना कि अगर हम कचरा फेंकते ही रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटा कचरा उठाएंगे, तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोगों को अपनी जवाबदारी समझना पड़ेगी कचरा कलेक्शन की। और फिर हम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं कि उनको अप्रोप्रिएट टाइम पर भेज के वो कचरा कलेक्ट करा लें, लेकिन जिस तरीके से लोगों की एक आदत बनी हुई है उससे क्या हो रहा है कि शहर के अंदर सफाई का बहुत प्रॉब्लम है और ये बना रहेगा। जब तक कि हमारी पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी इस चीज़ को लेके, और मैं अपील करूँगा हमारी माँ बहनों से, खास करके हमारे स्टूडेंट से, कि अगर वो ये चीज़ के लिए अवेयर हो जाए और हमारी नस्ल अवेयर हो जाएगी और ये कचरे के प्रॉब्लम से हमें निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह।